नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज हम लोग करने वाले हमारे क्लास 11th का जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड रहने वाला है आपके होम साइंस का, जिसका नाम क्या है, स्वयं को समझना। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हम उसको देखने वाले हैं। आपको चैप्टर की जो वीडियो है फुल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गई है। आई होप आपने जो चैप्टर की वीडियो है उसको अभी तक देख लिया होगा। तो जो ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। और क्या है, आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो या आपको सही से समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्वयं संकल्पना का क्या अर्थ है। यहाँ पे बताया है कि हमारा जो स्वयं है, स्वयं की संकल्पना है, उसका क्या अर्थ है, हम स्वयं से क्या समझते हैं, आपसे मिलने क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम देखते हैं, स्वयं संकल्पना स्वयं के बारे में अनुभूतियां और विचारों का एक संग्रह है। जब हमें खुद के बारे में जो जानकारी है प्राप्त होने लग जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, स्वयं संकल्पना कहते हैं। मतलब खुद की जो अंदर कौशल है या कोई गुण है उसकी जो अनुभूति है होने लग जाती है तो हम उसको स्वयं संकल्पना कहते हैं। स्वयं संकल्पना और आत्मसम्मान व्यक्ति की पहचान के तत्व है। अब क्या है, स्वयं संकल्पना जो है और आत्मसम्मान है एक तरीके से व्यक्ति के पहचान के जो तत्व है। हमें स्वयं के बारे में पता होगा तभी तो हम किसी को अपनी जो पहचान है वो बता पाएंगे। तो वही बताया है किस तरीके से स्वयं संकल्पना और जो आत्मसम्मान है व्यक्ति के पहचान के एक तत्व माने गए हैं। स्वयं और दूसरों को समझने में स्वयं संकल्पना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हमें खुद के बारे में पता है या किसी अन्य को उनके बारे में जानकारी होगी तभी तो हम एक दूसरे को बता पाएंगे। तो वही बताया गया है कि जो स्वयं संकल्पना है, खुद के बारे में जानकारी और अन्य के बारे में जानकारी, मेरे अंदर कोई अलग गुण कौशल है उसके अंदर कोई अलग गुण कौशल होंगे, ठीक है। तो क्या है, हमें उसमें पहचानने में जो अंतर है वो जो है एक तरीके से समझाती है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, स्वयं संकल्पना है। तो आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में, मित्र समूह का स्वयं पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो मित्र समूह है, हमारे जो मित्र होते हैं वो किस प्रकार से हमारे पहचान पर प्रभाव डालते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो आप इसका आंसर आप इस तरीके से भी बता सकते हैं। अगर आप बताना चाहे कि किस तरीके से, जिस प्रकार का ग्रुप होगा वो हमें बताएंगे कि तुम इस चीज में अच्छे नहीं लगते, थोड़ा तुम्हें चेंज करना चाहिए, ऐसे ऐसे होते हैं ना, बताते हैं जो फ्रेंड्स लोग होते हैं एडवाइस देते हैं। तो वही इसमें बताना है कि किस तरीके से जो मित्र लोग हैं वो अपनी राय को प्रकट करते हैं तो क्या होता है, हम भी चाहते हैं कि उन्हीं की राय के प्रकार क्या है हम बन सके, जिस प्रकार से वो हमें बनाना चाहते हैं हम एक तरीके से उसमें कन्वर्ट होना चाहते हैं ताकि क्या है समाज में हमारी प्रशंसा हो। तो आप इसमें बता सकते हैं कि मित्र समूह इस प्रकार से क्या है हमारे जो पहचान है उस पर प्रभाव डालता है। बाकी हम आंसर देख लेते हैं क्या है, व्यक्ति के मन में स्वयं की छवि उसके मित्र समूह के द्वारा भी कई बार निर्मित होती है, ठीक है। जिस प्रकार जो मित्र है बातें रखते हैं उसी प्रकार से जो व्यक्ति है अपने अंदर की जो छवि है उसको निर्मित करता है। व्यक्ति स्वयं को समाज का एक अभिन्न अंग मानता है तथा आसपास के लोग उसे जिस प्रकार का बताते हैं वह स्वयं को वैसे ही समझने का प्रयास करता है या खुद को बनाने की कोशिश करता है। जैसे आसपास के लोग बोलते हैं उसी प्रकार से, जैसे फैशन की बात आ गई और कोई अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, पुराने टाइप में थोड़ी सी हूँ, तो क्या बोलेंगे, मुझे बताएंगे समझाएंगे कि तुम्हें भी ट्रेंड में आना चाहिए, चेंज होना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें वो मुझे बताएंगे। तो मैं क्या चाहूंगी, मैं भी उसी प्रकार से हो जाऊं जैसे ये लोग मुझे बता रहे हैं ताकि क्या है मेरी भी प्रशंसा हो, मेरे भी जो लोग हैं आसपास के लोग हैं मेरी भी तारीफ करे या फिर मुझे पहचाने, मैं ऐसा चाहूंगी। तो वही इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से आसपास के जो लोग होते हैं हमें बताने का प्रयास करते हैं उसी प्रकार से हम खुद को बदलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। मित्र या समाज के अन्य लोग द्वारा मिला हुआ सम्मान तथा स्वीकार्यता व्यक्ति के स्वयं के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। अब इसमें किस प्रकार से जो मित्र है या आसपास के जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमारी बातें कर रहे हैं, उस प्रकार क्या है उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव व्यक्ति के अंदर पड़ता है। तो यही आपसे पूरे क्वेश्चन में पूछा गया था, किस प्रकार से मित्र या समाज जो है हमारे स्वयं की पहचान पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ आपने देखा कि जिस प्रकार से जो मित्र है या समाज के लोग हैं हमें बनने का प्रयास करवाते हैं, किस प्रकार से वो बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ चेंज होना चाहिए या तुम्हें थोड़ा यहाँ पे कुछ कमी है, यहाँ पे बदलाव करना चाहिए, तो हम भी क्या करते हैं उन्हीं के जैसा जो बनने का प्रयास है वो करना शुरू कर देते हैं ताकि क्या है लोगों के अंदर जो है हमारी अच्छी जो सोच है, अच्छी बातें हैं वो उत्पन्न हो सके।
ठीक है, तो यही था आपके कि मित्र समूह किस प्रकार से प्रभाव डालती है हमारे स्वयं की पहचान पर। तो आई होप आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मीडिया का किसी व्यक्ति की पहचान पर क्या प्रभाव होता है? अब क्या है, मीडिया किस प्रकार से व्यक्ति की पहचान पर प्रभाव डालती है? आप देखते हैं मीडिया, या फिर हम चैनलों की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे दवाइयों की बात की जाती है। अगर कोई व्यक्ति छोटा है, हाइट कम है उसकी, तो हाइट बढ़ाने के लिए, कोई मोटा है तो हाइट जो वेट है वो कम करने के लिए, कोई पतला इंसान है तो उसके वेट को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ आप देखते हैं मेडिसिन वगैरह हो गई, ऐसी चीजें निकाल देते हैं। तो किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, लोग हैं अपनी शारीरिक बनावट पे काफी ध्यान देते हैं, ठीक है, और अगर उनकी जो शारीरिक बनावट है उन लोगों के अनुसार नहीं होती जिस प्रकार से विज्ञापनों पर दिखाया जाता है, तो क्या होते हैं, किशोर ना काफी टेंस्ड हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि जैसे इसमें बताया गया था इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, तो उतना मेरे पास नहीं है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे विकारों का सामना क्या है उनको करना पड़ता है। और क्या है, हम बोल सकते हैं कि मीडिया का प्रभाव बहुत ही ज्यादा पड़ता है स्वयं की पहचान पर। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आज के आधुनिक युग में मीडिया व्यक्ति के स्वयं संकल्पना को काफी हद तक प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कई बार मीडिया द्वारा कुछ ऐसे विज्ञापनों का आयोजन किया जाता है जो लोगों को बहुत ज्यादा ही प्रभावित करता है, जैसे कि कई शारीरिक प्रचारकों का निर्माण, जिससे लोगों को अपना जो जुड़ाव है वो महसूस होता है। कुछ इस प्रकार के प्रचारों का निर्माण करते हैं, विज्ञापन जो होंगे उनका निर्माण करते हैं कि लोगों को क्या है, उनसे अपना जो जुड़ाव है वो महसूस करने लग जाते हैं। और यदि उन विज्ञापनों के अनुरूप लोगों की वास्तविक शारीरिक छवि को आदर्श छवि के अनुरूप ना पाकर परेशान हो जाता है। अब क्या है, वहां पर इस प्रकार से उदाहरण दिया जा रहा है, कोई सामने पतला व्यक्ति बैठा हुआ है, और क्या है, सामने एग्जाम्पल दिया जा रहा है उसके सामने कि कोई व्यक्ति संपूर्ण कब होता है, जब वो अच्छी हाइट हो उसकी, अच्छा वेट हो उसका, बॉडी मसल्स अच्छे हो, ये सब बताया जा रहा है। तो क्या है, सामने वाला व्यक्ति तो परेशान हो जाएगा कि मैं तो पतला हूं, मैं इस प्रकार से नहीं हूं, तो क्या मैं संपूर्ण नहीं हूं, तो ये सारे क्वेश्चन क्या है मन में आने लग जाते हैं। तो वही बताया गया है कि जिस प्रकार से विज्ञापन में छवि दिखाई गई है उस प्रकार से यदि उस व्यक्ति की छवि नहीं होगी तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारी जो गलत बातें हैं वो उत्पन्न होने लग जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन संबंधित कई विकारों को सामने देखा जाएगा। तो क्या है, व्यक्ति जब टेंस हो जाएगा तो उसको खाना खाने का मन नहीं करेगा, तो ऐसे बहुत सारे विकार जो है क्या है सामने आने लग जाएंगे, जिससे आप बोल सकते हैं कि मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। आपने देखा किस प्रकार से सिर्फ मीडिया के विज्ञापन द्वारा व्यक्ति क्या है, या कोई बच्चा है या कोई युवा है, क्या है किस तरीके से प्रभावित हो रहा है कि वो अपना खाना पीना छोड़ सकता है टेंशन के वजह से। तो ये आई होप आपको जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा गया आपसे, किशोरावस्था के दौरान किशोर में स्वयं की भावना को, भावना के विकास का वर्णन कीजिए। जब किस प्रकार के विकास है किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं, उनकी भावना को हमें बताने हैं, व्यक्त करने कि किस प्रकार से मेरे अंदर कोई बात है जो उत्पन्न हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, उन सब के बारे में आपको इसमें मेनली जो है वो बताना है। इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो क्या है, किशोरावस्था के दौरान किशोर यह अपेक्षा की जाती है कि वह परिपक्व व्यवहार करे, अर्थात वह पारिवारिक तथा सामाजिक कार्यों में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। अब किशोरावस्था आते आते क्या है, बहुत सारी जिम्मेदारी जो है व्यक्ति के ऊपर आने लग जाती है, ठीक है। तो क्या है, परिवार वाले क्या चाहते हैं उनसे, कि वो अच्छे तरीके से बिहेव करे, बड़े लोगों की तरह मैच्योर हो जाए, ऐसे बिहेव करे, ठीक है। तो उनसे ऐसी मांग जो है वो की जाती है। किशोरावस्था के दौरान कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे किशोर और अन्य लोगों के बीच कुछ सुविधा या जो है अस्थिरता जो है वो उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ असुविधा होगा, और यहाँ पे जो है कुछ ऐसी आप बोल सकते हैं असुविधा उत्पन्न होती है, जिसमें क्या है, किशोर क्या है उसकी राय कुछ और होती है लेकिन घर वालों की राय कुछ और होती है। तो क्या है, वहां पे कुछ तो असुविधा जो होगी वो उत्पन्न होगी, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है कि क्या है, किशोरावस्था में परिवार वाले हो गए या किशोर हो गए, उनके बीच कुछ असुविधाएं जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। हर माता पिता किशोरावस्था के दौरान अपने बच्चों से बड़ों के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। हर माता पिता यही चाहते हैं जब किशोर जो है यंग एज में आ चुके हैं तो क्या करे, अच्छे तरीके से बिहेव करे। लेकिन कई बार क्या है, ऐसा देखा गया है कई बार किशोर और उनके माता पिता के बीच मनमुटाव का एक कारण बना रहता है। क्या है कि वो तो चाहते हैं कि ऐसा बिहेव करे, लेकिन कई बार ना ऐसा रीजन आ जाता है जिस वजह से क्या है कि उनके बीच मनमुटाव हो जाता है। क्या है वो रीजन, हम देख लेते हैं कि जब परिवार को कोई
अहम निर्णय लेना होता है तो वह किशोर की बातों को अनदेखा कर देते हैं, जिससे परिवार तथा किशोर के बीच अनबन होने शुरू हो जाती है। तो क्या है, परिवार वाले चाहते तो हैं कि किशोर क्या करे, अच्छे से बिहेव करे, मैच्योर बिहेव करे, लेकिन जब घर के निर्णय की बात आती है तो उसको क्या कह के टाल दिया जाता है कि तुम अभी बच्चे हो। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा आई होप। तो क्या है, यही इसमें बताया गया है किस तरीके से घर वाले जो है वो चाह रहे हैं कि बच्चा क्या है मैच्योर बिहेव करे, लेकिन उसकी जो निर्णय लेने की आजादी है उसको नहीं है। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है ये भी समझ में आ गया होगा। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं के निर्माण की किन किन विशेषताओं के आधार पर होता है, मतलब स्वयं का निर्माण किन किन विशेषताओं के आधार पर हो रहा है, कब, हमारे प्रारंभिक बाल्यावस्था के टाइम पे। तो हम वो देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे आपको दे रखे हैं, जैसे शारीरिक विशेषता हो गया, स्मरण शक्ति हो गया और आंतरिक संकल्पनाओं के आधार पर। इन सबसे क्या है, हमारे प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है उसमें जो विकास है वो विकसित होते हैं। तो फर्स्ट आपको दे रखा है शारीरिक विशेषताओं के आधार पर। इसमें क्या है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे अपने शारीरिक स्वरूप को लेकर अत्यंत उत्साहित होते हैं तथा गर्वित महसूस करते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि वह पूर्ण रूप से संपूर्ण है। उनको ऐसा लगता है, जैसे कि हम किशोर अवस्था की बात कर ले तो हमें बहुत सारी कमी जो है दिखने लग जाती है कि मेरे फेस अजीब सा है या फिर मेरी बॉडी जो है वो ठीक नहीं है, शारीरिक संरचना जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों को क्या लगता है कि वो जिस प्रकार से उनकी बनावट है वो बिल्कुल सही है। उससे क्या करते हैं, वो गर्वित महसूस होते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि वो पूरे तरीके से अच्छे हैं, सुंदर है। ये सारी चीजें क्या है, उनके अंदर जो मन में ये सोच है वो उत्पन्न होने लग जाती है। नेक्स्ट, स्मरण शक्ति के आधार पर बता रखा है, परिवार द्वारा कुछ बचपन की बातें स्वयं से क्या है बच्चा जोड़ने लग जाता है। मतलब इसमें आप एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि इस तरीके से कोई परिवार है वहां पर बच्चों की बातें की जा रही है कि तुम बचपन में इस प्रकार से खेलते थे, इस प्रकार से मम्मी बोलते थे या इस प्रकार से पापा बोलते थे। तो क्या है, बच्चा ना खुद से जोड़ने लग जाता है उसको, और ये क्या हो गया, स्मरण शक्ति के आधार पर भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो है हमारी जो विशेषताएं हैं वो आती हैं। नेक्स्ट आपको बता रखा है आंतरिक कल्पनाओं के आधार पर। इसमें क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष की आयु तक बच्चे अपने द्वारा देखे जाने वाले पसंदीदा कार्टून या फिर सुपर हीरो को कल्पना कर स्वयं से जोड़ने लग जाते हैं। इस एज में क्या होता है, बच्चे अपने देखे होंगे कार्टून वगैरह जो उसको देखते हैं, और साथ ही में क्या है, जो उसके एक्शन स्टंट होते हैं वो भी करना शुरू कर देते हैं और खुद को क्या है, सुपर हीरो से जोड़ लेते हैं, और क्या सोचते हैं कि वो भी एक तरीके से सुपर हीरो ही है, और क्या है, उन सब चीजों को महसूस करने लग जाते हैं। तो यही आपके इस क्वेश्चन में था। आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, किशोरावस्था के दौरान किशोर की स्वयं की भावनाएं किन विशेषताओं पर आधारित होती है। अब उनकी स्वयं की जो भावनाएं हैं उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है हमें वो देखना है। तो क्या है, किशोरावस्था के दौरान किशोर अपनी शारीरिक विशेषताओं जैसे कि लंबाई, मजबूती, खूबसूरती इत्यादि पर जोर देने की अपेक्षा स्वयं के व्यक्तित्व, आंतरिक गुण पर अधिक बल देते हैं। यहाँ पे एक गुण होगा, सॉरी, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है इसमें। ठीक, इसमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से जो किशोर है किशोरावस्था के दौरान क्या कर रहे हैं, अपनी शारीरिक बनावट हो गई, सुंदरता हो गई, इन सबसे ज्यादा क्या दे रहे हैं, अपने आंतरिक गुण जो है, अपने अंदर के जो गुण है, कौशल है, उनको निखार रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके किसमें आ गया है, आपके किशोरावस्था के दौरान स्वयं की जो भी भावनाएं हैं उनकी विशेषताएं हैं उसमें आ जाएगा। फिर किशोरावस्था के दौरान किशोर है उनके मन में स्वयं के प्रति बहुत सारी बातें उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, मतलब कुछ कुछ ऐसी बातें जो है उत्पन्न हो रही है बच्चे के अंदर या किशोर के अंदर, जो युवा है उसके अंदर, जैसे कि आपको बताया गया है, वैसे तो मैं शांत रहता हूँ लेकिन आसानी से विचलित हो जाता हूँ। मतलब बच्चे के क्या है, किशोर जो है, युवा है, उसके अंदर ऐसे ऐसे विचार भी उत्पन्न होने लग जाते हैं कि मैं यहाँ पर शांत रहता हूँ लेकिन कई बार मैं बहुत ज्यादा विचलित भी हो जाता हूँ। ऐसे कुछ कुछ जो बातें हैं उनके मन में आना शुरू हो जाती है।
किशोरावस्था के दौरान किशोर में स्वयं के प्रति भावनाओं में काफी उतार चढ़ाव का अनुभव होता है, जिसका मुख्य कारण किशोर के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। अब क्या है, आप देखते हैं काफी चेंजेस होते हैं लाइफ में किशोरावस्था के टाइम पे। कई बहुत सारी जिम्मेदारी होती है वो आ जाती है, कई सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो आने लग जाते हैं, जिससे क्या है इसको हम एक चुनौती समझ सकते हैं। तो किशोरावस्था के दौरान बहुत सारी जो चुनौती है उसका भी सामना क्या है किशोरों को करना पड़ता है। तो यही आपके इस क्वेश्चन में था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे मेनली जो है मोस्टली जो है आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो क्या है, राहुल एक किशोर है एवं काफी दुविधा में प्रतीत होता है, आप उससे मशवरा दीजिए कि इस अवस्था में दुविधा एवं उलझन होना सामान्य है एवं इस अवस्था में स्वयं के विकास की विशेषताएं भी बताएं। तो इसमें क्या है, एक व्यक्ति का नाम आपको दे दिया गया, उससे क्या है किशोरावस्था के दौरान वो काफी दुविधा में है, तो हमें क्या है समझाना है उसको, अपना राय देनी कि किस प्रकार से इस एज में ऐसी ऐसी जो चीजें हैं वो होती रहती है, उसको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं आंसर। तो इसमें क्या है, राहुल को ये समझाना चाहिए कि वह परेशानी को अपने माता पिता मित्रों या अपने शिक्षक से साझा कर सकता है। मतलब क्या है, किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, बच्चे क्या चाहते हैं, युवा जो होते हैं अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करते, जो उनके मन में होता है वो मन के अंदर ही रहते हैं और साथ ही में क्या है धीरे धीरे घुटते रहते हैं अंदर में। तो क्या है, हमें क्या है उसको समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको जो अपनी बातें हैं शेयर करनी चाहिए, जो भी उसके दुविधा है उसको लोगों को बताना चाहिए, जो भी आसपास के लोग हैं जिसमें वो भरोसा कर सकता है। सभी का एक अलग अलग परिस्थितियों को भिन्न भिन्न तरीकों से सुलझाने का तरीका होता है। अब सभी अलग अलग राय देंगे लेकिन उसके टेंशन को क्या है कम करने का प्रयास करेंगे। उसे अपने समूह में इसकी चर्चा करनी चाहिए और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस अवस्था में निम्न विशेषताएं होती है, अब हम इसकी विशेषताओं को समझेंगे। तो क्या है, इस समय किशोर अपने आप को बताने के लिए अपने गुणों का प्रयोग करते हैं। अब बहुत सारे गुण जो है उसको हम बताते हैं किशोरावस्था के दौरान, जैसे कि शांत हो गया, संवेदनशील हो गया, भावुक होने को रूप में समझा जा सकता है। मतलब कुछ ऐसे आप बोल सकते हैं गुण आप समझ सकते हैं, कहाँ पे वो शांत है, किस चीज के लिए संवेदनशील है, कहाँ पे मतलब उसको इम्पोर्टेंट समझ रहा है, इन सब गुणों को गुण का बातें हमारे अंदर जो हम अपनी किशोरावस्था की एज में होते हैं। फिर क्या है, किशोर स्वयं की भावना में काफी उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों का अनुभव करते हैं और उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करते हैं। इसमें बताया गया है कि किशोर क्या है, काफी उतार चढ़ाव होते हैं, आपको मैंने बताया था किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, ठीक है, तो उन सबका क्या है उतार चढ़ाव जो है उनकी लाइफ में रहता ही है, लेकिन क्या है वो उनका सामना करते हैं, उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। इस अवस्था में स्वयं विवरण में कई विरोधाभास भी महसूस करते हैं, वे स्वयं को विरोधी के रूप में बता सकते हैं, जैसे मैं शांत हूं परंतु सरलता से विचलित हो जाता हूं। तो क्या है, ऐसे आप पॉइंट्स क्या है बता सकते हैं कि क्या है आसानी से क्या है वो विचलित भी हो जाते हैं, अगर कई जगह पे वो शांत भी है, मतलब कुछ चीज हो रही है वहां पे शांत है उसको सुन रहे हैं, लेकिन कई जगह पे ऐसे भी हो जाते हैं कि तुरंत वो रिएक्ट भी कर देते हैं। तो ये सारी हमारे किस में आएगी, किशोरावस्था की विशेषताओं में आएगी। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, मध्यम बाल्यावस्था के दौरान किस प्रकार स्वयं का विकास होता है। अब यहाँ आपसे मध्यम बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया और किस प्रकार से उसमें विकास हो रहा है उसको हम समझेंगे। तो क्या है, इस अवधि में बच्चों का स्वयं मूल्यांकन अधिक जटिल हो जाता है, इसकी निम्न विशेषताएं होती है। इस टाइम पे क्या है बच्चे स्वयं को समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वही इसमें आपको अब बताना है। बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं के संबंध में अपने स्वयं के बारे में बताता है, जैसे कि मैं मित्र जल्दी बना लेता हूँ। तो क्या है, बच्चों को पता चल जाता है कि उनके अंदर कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से गुण उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो क्या है उनकी बातें करना शुरू कर देते हैं कि मैं जल्दी मित्र बना लेता हूँ, या मुझे ये ड्रॉइंग आती है, मैं इस चीज को याद कर सकता हूँ, इस चीज को पढ़ सकता हूँ, ऐसी ऐसी बातें क्या है बच्चे करना शुरू कर देते हैं। बच्चा सामाजिक विवरण और पहचान से संबंधित बातें करता है, मतलब इस एज में क्या हो जाता है बच्चा क्या है खुद की पहचान से जुड़ाव, समाज और खुद से जुड़ाव जो है वो महसूस करना शुरू कर देता है। जिस वर्ग से संबंधित होता है उसके संदर्भ में ही स्वयं को परिभाषित भी करता है, जैसे मैं स्कूल में क्रिकेट समूह में हूँ, तो क्या है जिस जगह पे वो जाता है उससे खुद को जोड़ना भी शुरू कर देता है। कब, हमारे मध्यम बाल्यावस्था के दौरान। बच्चे सामाजिक तुलना करने लगते हैं, वे अपने आप को दूसरों से अलग बताते हैं, जैसे कि मैं इसमें तेज दौड़ सकता हूँ, मैं कोई भी रेस है उसमें तेज दौड़ सकता हूँ, ऐसा हो सकता है यहाँ पे।
तो इसमें क्या बताना है आपको मेनली कि क्या है, बच्चा ना खुद की तुलना करने लग जाता है कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मैं इस चीज को अच्छे से कर सकता हूँ। ये सारी तुलना क्या है, बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाती है। पूर्व विद्यालय बच्चों की अपेक्षा इनका स्वयं अधिक वास्तविक हो जाता है। उनकी वस्तु और स्थितियों को अन्य लोगों के नजरिए से देखने की क्षमता का विकास भी हो जाता है। तो इसमें क्या है कि पूर्ण जो हमारे बोल सकते हैं विद्यालय अवस्था जो होती है, मतलब कि हम बोल सकते हैं छोटे एज के बच्चे जो होते हैं क्रेंच वगैरह में जा रहे हैं वहां पे क्या है, तो उसमें क्या है कि स्वयं की जो भी वास्तविकता होती है वो प्रबल हो जाती है। स्वयं को समझने की जो वास्तविकता होती है वो भी स्ट्रांग हो जाती है इस एज तक। और क्या है, बच्चे स्वयं की वस्तुओं और जो स्थिति है उनको भी अन्य लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं। तो यही आपके इस क्वेश्चन में था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि किशोरावस्था के दौरान पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। अब क्या है, किशोरावस्था के दौरान हमारे पहचान को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो हम देख लेते हैं इसमें आंसर क्या होगा हमारा। इसमें बता रखा है जैसे आपके जैविक और शारीरिक परिवर्तन है, पारिवारिक और मित्रवन संबंधों में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन है, भावनात्मक परिवर्तन और संख्यात्मक परिवर्तन। तो इसमें क्या है, आपसे जैविक शारीरिक में पूछा गया है किस प्रकार से आप देख रहे हैं किशोरावस्था के दौरान बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, जैविक परिवर्तन हो रहे हैं। तो क्या है, ये भी एक तरीके से हम इस चीज में जूझ रहे हैं, ठीक है। तो उन परिवर्तनों के साथ ही हमें क्या पता चलता है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही में पारिवारिक मित्रवन संबंध भी चेंज होते क्या है किशोरावस्था के दौरान, झुंझलाहट वगैरह जो है उत्पन्न होने लग जाती है, तो ये सारे परिवर्तन आपको बता देने हैं। भावनात्मक परिवर्तन मतलब भावों में परिवर्तन होने लग जाता है, कभी खुश है तो कभी तुरंत चिड़चिड़ापन आने लग जाता है। ये सारी चीजें क्या है, हमारे भावों में परिवर्तन आने लग जाती है हमारे किशोरावस्था के दौरान। या फिर संज्ञात्मक परिवर्तन बोल सकते हैं, कुछ ऐसे यादों के बारे में आप बोल सकते हो, सारे परिवर्तन क्या है हमारे किशोरावस्था के दौरान ही होते हैं। तो आई होप आपको जो ये पूरा जो आपका चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 वो आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर थे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये जो भी क्वेश्चन आंसर थे आपके। तो आई होप आपने जो एंड तक ये वीडियो देखी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।